Hey guys, welcome back once again. दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक 16 साल के लड़के स्टीव और उसकी टीचर लॉयला की है, एक ऐसे नाजायज रिश्ते की जिसको निभाते निभाते उनकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई। 1943 का समय है, जगह है मालमो, जहाँ पर हम एक स्कूल में एक बच्चों का न्यू एकेडमिक ईयर शुरू होते हुए देखते हैं। सभी बहुत खुश हैं, लेकिन इससे ज़्यादा वो इसलिए खुश हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाने एक नई टीचर आई है जिसका नाम है लायला। वो सभी को चुप कराने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। सभी बच्चे इस फ्री पीरियड में मज़े लेते हैं और इसी क्लास में हम स्टीव को भी देखते हैं जो मात्र अभी 16 साल का है। वो सब कर रहा है जो इस ग्रुप के लड़के करते हैं और उसने एक पेपर पर सभी लड़कियों के बारे में बहुत सी बातें लिख रखी है जिसे वो सभी के साथ शेयर कर रहा है। लेकिन पहले ही दिन लॉयला स्टीव को ऐसे करते हुए पकड़ लेती है और फिर उसे बाहर बुलाती है और उसे कुछ सवाल को सॉल्व करने को कहती है। लेकिन उसका ध्यान तो क्लास में था ही नहीं, इसलिए वो उसे सॉल्व नहीं कर पाता। तो लायला उसके हाथ से वो पेपर ले लेती है जिसमें उसे बहुत सी चीज़ें लिखी हुई मिलती है। जब वो उसे पढ़ती है तो हैरान रह जाती है, इसलिए सभी के जाने के बाद वो स्टीव को पूरी क्लास साफ करने की पनिशमेंट देती है। और इसी दौरान स्टीव लायला की खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। उसे नहीं पता था कि ये सही है या फिर गलत, लेकिन वो बस उसे ही देखे जा रहा था। कुछ देर में लायला भी समझ जाती है कि स्टीव उसे ही देख रहा है, इसलिए वो उसे घर जाने को कह देती है। खैर, घर आने पर हमें पता चलता है कि स्टीव का भाई सेगे एक बॉक्सर है और उसकी उसे काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी है, इसलिए वो उसकी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था क्योंकि कुछ ही दिन बाद वो आर्मी में भी जाने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि ये वही साल चल रहा है जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था, इसलिए सभी को अपने देश की रक्षा करने के लिए आर्मी में भर्ती होना पड़ रहा है। उधर हम ये भी देख पाते हैं कि शाम में स्टीव एक थिएटर में वेटर का काम करता है, पर उसके देर आने की वजह से उसके बॉस उससे खुश नहीं होती, लेकिन वो फिर भी हर बार कुछ ना कुछ बहाना मार ही देता है। अब अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो उसका वहाँ कुछ टेस्ट था। उसी दौरान लायला स्टीव के आसपास ही घूमती रहती है जिससे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, पर वो जानबूझकर ये कर रही थी। अब उस दिन जब वो फिर से थिएटर में जाता है तो वहाँ उसे सेगे सरप्राइज देने के लिए आ जाता है, पर वो उसे मना करता है कि यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि स्टीव नहीं चाहता कि उसका घर का कोई भी मेम्बर यहाँ पर आए। उसे शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए वो उसे घर जाने को बोल देता है। और जब उसकी शिफ्ट ख़त्म हो जाती है तो वो भी घर की ओर निकल जाता है, जहाँ पर हम लेजबिट नाम की लड़की को देखते हैं जो उसकी पड़ोस में रहती है और स्टीव को बहुत पसंद करती है। लेकिन स्टीव उसे कुछ खास पसंद नहीं करता, इसलिए वो उसे हर बार इग्नोर कर देता है, जिसे लेजबिट को अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ लेजबिट उसके लिए उसी की देश की भाषा को सीख रही है ताकि उसके सामने वो बोल कर वो उसे इम्प्रेस कर सके। पर इस समय स्टीव के दिमाग में अभी लायला का ख्याल ही घूम रहा है, उसे कोई और लड़की दिख ही नहीं रही है। अब घर पहुंचने पे उसका भाई उसके साथ काफ़ी टाइम बिताता है क्योंकि जल्द ही वो आर्मी में जाने वाला है। यहाँ स्टीव उसे लायला के बारे में भी बताता है क्योंकि एक वही है जिससे वो सब कुछ शेयर करता है। तो सेगा कहता है कि ठीक है, अगर वो तुम्हें बार बार स्टॉक कर रही है तो तुम्हें उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी बात को ध्यान में रखकर स्टीव अगले दिन स्कूल जाता है, जहाँ पर वो सभी के जाने के बाद उसे काफ़ी सारे सवाल करने लगता है जो थे तो पढ़ाई के, लेकिन वो इनके ज़रिए उसे बात करने की कोशिश करता है। और लास्ट में जब वो उन बुक्स को रखने के लिए जाता है तो वो पहली बार खुद को लायला को इतने करीब महसूस करता है जो उसके लिए अभी तक बहुत खास था, क्योंकि आज उसके अंदर लायला के लिए एक अलग किस्म की ऊर्जा पैदा हो रही थी। वो अब उसे ही देखता रहता है जब भी समय मिलता है स्पोर्ट्स पीरियड के एक टाइम पर, जब भी बच्चे कुछ ना कुछ खेल रहे होते हैं, लेकिन स्टीव की आंखें लायला को ही ढूंढ रही होती हैं। अब ये चीज़ सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं रहती है, वो कभी कभी तो अपने फ्री टाइम पे उसके घर के बाहर भी जाया करता था उसे देखने के लिए। लायला को भी अच्छे से पता चल चुका था कि स्टीव उसके लिए क्या सोचता है, इसलिए वो भी उसकी तरफ खींचती चली आ रही थी। एक दिन जब वो स्कूल के ऊपर वाली मंजिल पर कुछ सामान लेने के लिए जाने लगी तो उसके पीछे पीछे स्टीव भी चला जाता है। हालांकि जब लायला ने उसे अपने पीछे देखा तो उसे बुरा नहीं माना, पर यहाँ स्टीव को वो मौका मिल चुका था जो वो चाहता था। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, पर बीच में ही लायला उसे छोड़कर ऊपर चली जाती है, जहाँ पर वो फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ कोई टीचर आ जाता है, इसलिए उन्हें जाना पड़ता है। अब यहाँ पर स्टीव कुछ बहुत ही अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। वो उन सभी चीज़ों को छूने और महसूस करने लग गया था जिसको लायला ने छुआ था, जैसे कि वो उसकी क्लास में रखी चेयर को किस करने लगता है जिस पर वो आकर हर रोज बैठा करती थी। ऐसा करते हुए उसके दोस्त भी उसे देख लेते हैं और पूछते हैं कि तुम चेयर क्यों सूंघ रहे हो, पर वो उसे कुछ और बहाना मार देता है और वहाँ से चला जाता है। एक दिन जब जंग में सभी प्लेन उड़ने के लिए तैयार हो रहे थे तो सभी स्कूल के बच्चे बाहर आ जाते हैं, उन्हें देखने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी स्टीव को कुछ हो जाता है, वो सब कुछ छोड़कर लायला के घर चला जाता है। लेकिन वो अंदर जाने से अभी डर रहा था, न जाने कैसे लायला उसे देखकर रिएक्ट करेगी,
पर वो फिर भी बेल को रिंग कर देता है और वो गेट खोलती है और बिना कुछ सोचे समझे वो अंदर बुला लेती है। वहाँ वो पहली बार इंटीमेट होते हैं और फिर साथ में बैठकर बहुत सी बातें करते हैं, जहाँ पर लायला उसे बताती है कि तुम मेरे घर हर रोज़ मत आना क्योंकि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और मेरे हस्बैंड किसी भी समय यहाँ पर आ सकते हैं, इसलिए तुम तभी आना जब मैं तुम्हें बुलाऊंगी। यहाँ स्टीव को भी कोई परेशानी नहीं होती, वो उसकी कही सारी बातें मानने लगा था, लेकिन एक दिन लायला से भी गलती हो जाती है। वो उसे बुला तो लेती है लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है जो कि उसका हस्बैंड है। स्टीव भागता है लेकिन आखिर में फ्रैंक उसे देख लेता है, पर वो उसे लगता है कि ये शायद लायला का कोई स्टूडेंट है और उसे यहाँ पर कोचिंग लेने के लिए आया है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद लायला को भी बहुत बुरा लगता है, उसे लगता है कि शायद फ्रैंक को सब पता चल चुका होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और जब इस बारे में उसे पता चलता है तो वो थोड़ा शांत होती है, लेकिन इन सब चीज़ों से उन दोनों के रिश्ते में कोई दरार नहीं आती। दोनों को जब भी मौका मिलता है वो एक दूसरे से मिल लेते हैं। समय के साथ साथ एक दूसरे के और करीब आते जा रहे थे। क्लास के टाइम पर एक दूसरे को देखकर वो मुस्कुराते हैं, फिर स्कूल के ऑफ होने के बाद वो मिलते हैं। अब ये सब आम हो गया था, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि ये सब उन्हें आगे जाकर क्या दिखाने वाला है। वो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि ये सब उन्हें आगे जाकर क्या दिखाने वाला है। पर एक दिन सेगा का बॉक्सिंग डे मैच आता है जो उसका आखिरी होने वाला था, क्योंकि उसके बाद वो आर्मी में चला जाएगा। स्टीव अपने थिएटर में काम खत्म करके सीधा बॉक्सिंग देखने चला जाता है, पर वहाँ पर सेगा की खूब पिटाई होती है और वो जब घर आता है तो उसके मुंह की हालत कुछ ठीक नहीं थी, उसके मुंह की दुर्दशा बिगड़ी हुई थी। पर उस रात वो दोनों बहुत बातें करते हैं क्योंकि फिर पता नहीं उन्हें कब मिलने का मौका मिलेगा। जब कुछ रात हो जाती है तो स्टीव को अपने डैड की खराटों की वजह से नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो सीधा लायला के घर चला जाता है। उसके पास उसके घर की चाबियाँ भी होती है, इसलिए वो गेट को खोल लेता है और उसे लगता है कि शायद वहाँ फ्रैंक नहीं होगा, लेकिन वो उस रात वहीं होता है और उसे फिर से देख लेता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो नींद में होता है, इसलिए उसे देख नहीं पाता और इसी का फायदा उठाकर वो आज यहाँ से बच जाता है। वैसे ही कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन जब लायला का जन्मदिन होता है तो वो उसके लिए प्रेजेंट लेकर जाता है। वह एक बार फिर उसकी मुलाकात फ्रैंक से हो जाती है, लेकिन वो उसे कुछ कहता नहीं क्योंकि अभी तक उसे सच्चाई पता नहीं थी। लेकिन यहाँ दोनों एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं, जिसमें इनकी दोस्ती भी होने लग गई थी क्योंकि दोनों के विचार और सोच कुछ हद तक सेम थे। फ्रैंक उसे वो सब बातें बताने और कहने लगता है जो कि वो सुनना चाहता है। उसे वो कई सारे गानों के बारे में भी बात करता है जो वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ में बातें किया करता था। स्टीव को ये दोस्ती रास आ रही थी, इसलिए वो उसके साथ समय बिताना शुरू कर देता है, लेकिन वो लायला के साथ अपने रिश्ते को जारी रख। अब इसी तरह से दोनों के रिश्ते चलते रहते हैं। एक दिन फ्रैंक घर पर आता है तो वहाँ उसे स्टीव मिलता है, जहाँ पर वो दोनों बातें किया करते हैं और साथ में ड्रिंक भी करते हैं। यहाँ स्टीव को ये अच्छे से पता था कि फ्रैंक एक अच्छा इंसान है, लेकिन शायद उसकी अपनी बीवी से इसलिए नहीं बनती क्योंकि वो शराब पीता है, इसलिए वो हमेशा उसे दूर ही रहती है। अब घर जाते टाइम वो उन गानों की सीडीज ले जाता है, वहाँ जाके उन्हें प्ले करने लगता है, लेकिन जब वो उन गानों को उसके डैड सुनते हैं तो वो फौरन जाकर उन्हें बंद कर देते हैं, क्योंकि इस समय स्टीव अपने उस दौर में है जहाँ पर उसे अपने परिवार के अलावा सभी लोग सही लगते हैं। खैर, अब एक दिन जब स्टीव लायला के घर पर होता है तो दोनों साथ में और शर्टलेस होते हैं, और उसी समय वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है जिसे देखकर स्टीव डर जाता है, लेकिन वो कहता है कि घबराओ मत, मुझे पता है कि तुम्हारे और मेरी बीवी के बीच में संबंध है, मुझे पहले से ही तुम्हारे बारे में सब कुछ पता था, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि स्टीव अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था, लेकिन फ्रैंक उसे रोक देता है और खुद की कहानी बताना शुरू कर देता है कि कैसे जब उसकी शादी हुई थी तो उस समय वो किसी और के साथ सोया करता था, और फिर एक दिन इस बारे में लायला को पता चल गया, तब से लेकर वो उसे कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करती क्योंकि उसने उसे धोखा दिया, और उस दिन के बाद से मैंने उसे कभी भी कुछ नहीं कहा, पर मैंने उस दिन से शराब पीना शुरू कर दिया और उसी को अपना सहारा बना लिया। ये सब बातें स्टीव के लिए काफ़ी अजीब थी, उसे कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा था। अभी उसकी उम्र भी बहुत छोटी है, इसलिए उसे ये सब क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस गो विद द फ्लो वाले फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ रहा था। उधर लेस्बिट भी अब समय के साथ साथ उस लैंग्वेज को सीखने लगी थी ताकि वो स्टीव को इम्प्रेस कर सके, लेकिन उसकी दोस्त बताती है कि लड़के इन सब चीज़ों से खुश नहीं होते, तुम्हें कुछ और ट्राई करना होगा। इसलिए अब उस फेयरवेल वाले दिन का इंतजार करने लगी थी जब उसकी सोसाइटी वाले साथ में बैठ के साथ खाना खाते हैं। खैर, यहाँ पर अब सेगी आर्मी में जा चुका है और समय के कुछ अंतराल के बाद उसके लेटर भी आते हैं, जिसे पढ़कर वो बहुत खुश होता है। यहाँ क्या क्या हो रहा है वो सब बताता है। उधर अब फ्रैंक और स्टीव रोज मिलने लग जाते हैं, दोनों अपने अपने पसंदीदे गाने को सुना करते थे। स्टीव फ्रैंक को समझाने लगा था कि शराब कैसे उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर रही है, अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो एक दिन जल्दी ही मर जाएगा। लेकिन स्टीव उसे समझाता है कि तुम्हें यह शराब पीना कम करना पड़ेगा, और उसके कहने पर वो उसकी बात भी मानता है
और अच्छी आदतों को अपनाने लगता। ये सब लायला भी देख रही थी और उसे फ्रैंक ऐसे देखकर अच्छा लग रहा था। अब एक हफ्ते के बाद फेयरवेल डे आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेस्बी स्टीव को लेकर अपने घर जाती है और वहाँ वो उसके सामने अपने कपड़े उतार देती है, पर स्टीव उसे इंटीमेट होने से मना कर देता है क्योंकि वो उसे प्यार नहीं करता था, जिससे कि लेस्बी का दिल टूट जाता है और वो रोने लगती है। असल में स्टीव को खुद समझ नहीं आ रहा था कि असल में वो इस समय क्या कर रहा है, क्योंकि अगर लायला को स्टीव पसंद नहीं है तो वो उसके साथ क्यों रह रही है। यही सवाल वो उसे पूछता है तो वो कहती है कि हाँ ये सच है, लेकिन अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो वो और शराब पीना शुरू कर देगा, इसलिए मैं उसके साथ उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए रहती हूँ। उधर कुछ दिन बाद अमेरिका में नायलन का बिजनेस ठप हो जाता है, हर तरफ दंगे होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से फ्रैंक का कारोबार भी ठप हो गया था और इसीलिए उसने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। जब इस बारे में स्टीव को पता चलता है तो वो उसे समझाने के लिए जाता है और उसे कम पीने को बोलता है, लेकिन फ्रैंक तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उसे कुछ और बिजनेस के बारे में सोचने को बोलता है। यहाँ पर स्टीव की उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन वो बातें फ्रैंक की उम्र वाली ही कर रहा था। कुछ देर बाद वो सो जाता है और तभी वहाँ लायला आती है जो उसे अपने साथ चलने को बोलती है, पर यहाँ वो बीच में अटक गया था कि वो करे तो करे क्या, कहीं फ्रैंक को धोखा तो नहीं दे रहा है वो। कुछ देर सोचने के बाद वो फैसला कर लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है, पर इससे लायला को बुरा लगता है कि वो उसे दूर जा रहा है। अगले दिन वो क्लास में भी उसे कुछ खास बातचीत नहीं करता और यही बात लायला को खाना शुरू कर देती है। वो बहुत कोशिश करती है कि उसके करीब आ सके, लेकिन वो उसे दूर ही होता रहता है। वहाँ से सीधा गर्ल्स चेंजिंग रूम में वो चला जाता है, जहाँ पर वो लेस्बिट से छुपकर मिलता है और दोनों करीब आते हैं, लेकिन लेस्बिट को अभी भी कुछ पता नहीं है उसकी और टीचर के बारे में। वहीं स्टीव तो बस लायला से खुद को दूर करने के लिए लेस्बिट के पास ही आया है, पर जो भी बात हो लेस्बिट यहाँ पर खुश थी कि स्टीव अब उसके पास है। एक दिन जब स्टीव घर पर होता है तो उस समय उसके पास एक टेलीग्राम आता है जिसमें लिखा था कि उसका भाई जिस सबमरीन में था उस पर कल रात हमला हुआ है, जिसमें उसके भाई की मौत हो गई। अब ये झटका वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और रोने लगता है, लेकिन अपनी माँ को इस बारे में कुछ नहीं बताता। पर कुछ ही देर बाद उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि स्टीव उनसे कुछ छुपा रहा है। जब उन्हें सच्चाई पता चलती है तो वो दोनों एक साथ बैठ कर रोने लगते हैं। स्टीव उन्हें हौसला देता है कि अभी शिप की तलाशी हो रही है, क्या पता मेरा भाई अभी ज़िंदा हो, लेकिन सच्चाई में उस शिप में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। वहीं दूसरी ओर लायला गुस्से में पागल होती जा रही थी स्टीव से ना मिलने की वजह से। वो फैसला कर लेती है कि वो अब उसे मिलने के लिए थिएटर जाएगी, जहां पर वो काम करता है। वहां पर उस दिन लेस्बिट भी मौजूद थी, और जब वो स्टीव को ढूंढने के लिए जाती है तो वहां वो स्टीव को टीचर के साथ देख लेती है, और जब उनके बारे में उसे पता चलता है तो वो भाग जाती है। और बाहर आने पर स्टीव उसे बहुत समझाता है, लेकिन वो कुछ सुनने को राजी नहीं थी। अगले दिन स्टीव लायला के घर जाता है इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, लेकिन वहाँ तो लायला शराब के नशे में ही मगन थी। वो जब इस बारे में सुनती है तो पागलों जैसी चीज़ों को करना शुरू कर देती है और खुद को तकलीफ देने लगती है, इसलिए स्टीव को मजबूरन इस रिश्ते को कायम रखना पड़ता है। कुछ दिन के बाद जब सभी बच्चे स्कूल में होते हैं तो वहाँ पर लायला स्टीव को बताती है कि वो फेल हो गया। वो समझ गया था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि वो उसे रिश्ते को तोड़ना चाहता है। वो उसे बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन लायला उसकी कोई बात सुन नहीं रही थी। वो चाहती थी कि वो उसके साथ वैसे ही रहे जैसे वो पहले रहा करता था, लेकिन अब वो दोबारा उस गलती को दोहराना नहीं चाहता। इसलिए क्लास में जब वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है तो यहाँ गुस्से में स्टीव डेस्क को ही लात मार देता है, जिससे उसके प्रिंसिपल का बुलावा भी आता है, जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि अब उसे दोबारा से क्लास को रिपीट करना होगा, मतलब एक साल उसका बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर वो भागते हुए क्लास में जाता और वहाँ जाकर उन रजिस्टर में अपने मार्क्स को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन उन पेजेस को लायला ने फाड़ दिया था। अब वो यहाँ से सीधा फ्रैंक के पास जाता है ताकि वो लायला से बात करे और वो उसे पास करवा दे, लेकिन वो तो नशे में ही धुत था इसलिए कुछ सुनता ही नहीं। एक दिन क्लास में प्रिंसिपल आता और वो उसे अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उसे उस समय उसके भाई के बारे में पता चल गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आसमान में कुछ प्लेन आ जाते हैं जो स्कूल के ऊपर ऑयल गिराना शुरू कर देते हैं, जिसे कुछ बच्चे घायल भी हो जाते हैं, पर ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता। वहाँ दूसरी ओर स्टीव की हालत अब बहुत बेकार हो चुकी थी। एक तो वो फेल हो गया था, दूसरा उसके भाई की मौत उसे अंदर से तोड़ती जा रही थी। वो पूरी पूरी रात थिएटर में बैठ कर उसी रील को देखता रहता है जिसमें उसके भाई की मौत हुई थी। कुछ दिन बाद सभी सैनिकों का फ्यूनरल होता है, जहाँ पर सभी का परिवार होता है। वापस जाते टाइम स्टीवन की माँ को लगता है कि शायद वो रात में काम करता है इसीलिए वो फेल हो गया, क्योंकि अभी उन्हें उनकी सच्चाई पता नहीं होती। पर वो कहता है कि आप जो सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ और कारण है, लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब मैं आपको वो बात बता दूंगा। इसके बाद वो जाकर अपने डैड को संभालता है, जो पूरी तरह से अंदर से टूट चुके अपने बेटे को खोने की वजह से। कहानियाँ और आगे बढ़ती है और कुछ दिनों के बाद रिजल्ट सेरेमनी होती है, जहाँ पर सभी बच्चों को रिजल्ट दिया जाता है। और जब बारी आती है स्टीवन की तो वो सभी के सामने लायला को कुछ ऐसा करके दिखा देता है जिससे कि वो शर्मिंदा हो जाती है
और बिना रिजल्ट लिए वो चला जाता है। लेकिन उस हरकत से लायला बहुत परेशान हो जाती है और शर्मिंदा भी, और इधर स्टीव स्कूल में जाकर सारी उन बुक्स को लेकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि अब उसे खुद के ऊपर ध्यान देना है, उसे खुद को साबित करना है और वो खुद को काबिल बनाना चाहता है। इसी के साथ ये कहानी ये ख़त्म हो जाती है। वेल गाइस, कभी कभी हम अनजानी में या फिर हम कभी कभी ऐसे कोई फैसले कर लेते हैं जो आगे जाकर हमारी ज़िंदगी में बहुत नुकसान करते हैं, लेकिन उस टाइम हमें लगता है कि ये सही है, पर आगे जाकर वो ऐसा घाव हमारी ज़िंदगी पर दे जाते हैं जो शायद हम कभी भूल नहीं पाते। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।